राजधानी रायपुर के तेलीबांधा पुलिस ने कुछ ऐसी दिवाली मनाई जो राजधानी रायपुर में खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल तेलीबांधा थाना द्वारा दीपावली पर वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के सम्मान कर उन्हें दीपावली का उपहार दिया गया। इस मौके पर राजधानी रायपुर पुलिस प्रशांत अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारकेश्वर पटेल, तेलीबांधा थाना प्रभारी सोनल ग्वाला मौजूद रहे। इस दौरान वृद्धाश्रम और बाल गृह में पहुँच कर द्वारा वृद्ध जनों को कपड़ा, मिठाई, फल व आवश्यक सामानों का वितरण किया गया। साथ ही साथ तेलीबांधा पुलिस द्वारा वृद्ध जनों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए चेकअप कर रहे उन्हें आवश्यक दवाई प्रदान किया गया। इस मौके पर SP प्रशांत अग्रवाल ने तेलीबांधा पुलिस की कार्य को सराहा और वृद्ध जनों को आवश्यक सुविधा और जरूरत पड़ने पर हमेशा साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। हाँ, तेलीबांधा थाने के द्वारा आज यहाँ पे वृद्धाश्रम के पास आके दीपावली के उपलक्ष्य में कुछ फल, मिठाइयाँ और कुछ सामग्रियों का वितरण किया गया था और इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने रायपुर पुलिस की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं सभी वरिष्ठ जनों को दिया है और कोई भी समस्या होने पर अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया है। किस प्रकार से खुशियाँ बांट ये साल भर लगभग इन लोग अलग रहते हैं वृद्धाश्रम में, बालिका गृह में भी, तो एक रायपुर पुलिस की ओर से छोटी सी पहल है। तेलीबांधा पुलिस और आदरणीय SP सर के मार्गदर्शन में हम लोग छोटे छोटे स्तर पे जो हमारे क्षेत्र में इस टाइप के लोग निवास करते हैं, दिवाली मिलन के रूप में छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। इनको कुछ फटाके, मिठाइयाँ, गिफ्ट हम लोग दे के इनको ऐसा ना लगे कि इनके साथ कोई नहीं है, तो रायपुर पुलिस सदैव इनके साथ है। इसी तारतम्य में हम हमारे स्टाफ और यस बैंक सब मिल के एक छोटा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जी, पुलिस की तरफ से एक मेडिकल चेकअप कैंप भी विदेशों में लगाया गया था। डॉक्टरों की टीम अभी भी वहाँ पर चेकअप कर रही है, फ्री है जो कि। दीपावली में यही संदेश है कि इन अपने जो सीनियर सिटीजन हैं और बच्चे हैं इनको ख्याल रखें और जो दीपावली का जो नियम कानून है, कोविड प्रोटोकॉल है, इसके स्वस्थ रूप से हम लोग दीपावली मनाएँ ताकि पुलिस और प्रशासन में शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिले उनको।